आईपीएल 2023 का आज मैच हुआ आरसीबी और सनराइज हैदराबाद के बीच। तो इस मैच को आरसीबी ने 8 विकेट से जीत लिया। तो मैच खत्म होने के बाद जो अवार्ड सेरेमनी है उसके हम बताएंगे। टियागो इवी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच बने हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने 203 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया और 103 रन बने। उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच मिला हेनरिक क्लासेन को, जिन्होंने ड्रीम इलेवन में 150 पॉइंट लिया। उन्होंने इस मैच में 103 रनों की पारी खेली। अपस्टॉक मोस्ट वैल्युएबल एसेट ऑफ द मैच मिला विराट कोहली को, जिन्होंने 44 NBA पॉइंट का अपस्टॉक में। उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया अपस्टॉक का। रुपये ऑन द गो फोर्स का अवार्ड दिया गया विराट कोहली को, जिन्होंने इस मैच में 12 छक्के मारे। उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक रुपये ऑन द गो फोर्स का ट्रॉफी दिया गया। विजिट सो दी बियॉन्ड द बाउंड्री लॉन्गेस्ट स्ट्रीक, विराट कोहली ने इस मैच में 103 मीटर का लंबा छक्का मारा नीतीश रेड्डी को, तो इसी वजह से उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया। हर्बल लाइफ एक्टिव कैच ऑफ द मैच मिला ग्लेन फिलिप्स को, जिन्होंने कैच लिया विराट कोहली का बाउंड्री लाइन पर। उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद। उनको 1,00,000 रुपये साथ में एक ट्रॉफी दिया गया।